तू आ जा मेरी अखियों में, कित और ना नजर लग जावे। क्या रहा हूँ दादो की सुनता रहा हूँ अब। इनके यहाँ गया हूँ तो इनके डैड की। तो जहाँ पड़े रहोगे वहीं की सुनोगे ना? वो आपका फैसला था, मैं ऐसा नहीं चाहता। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ इस चिड़ियाघर में रहूंगी, तुम्हारे इस खानदान के साथ? बहुत गलत बात कर रही हो तुम। एक बहुत आला खानदान से ताल्लुक है हमारा। देखा मैंने आला खानदान। मेरा परफ्यूम देती है मुझे प्लीज। जी थैंक्स। अपने ऑफिस में आपकी जॉब के लिए बात करूं? नहीं, वो बात तो रात में ही खत्म हो गई थी। अच्छा, मैं ब्रेकफास्ट के लिए जा रही हूँ, आप भी आ जाएं। चलें। ऐसा नीचे जाना आपको बुरा लगता है?
नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। क्या जाने क्यों होता है यूं, सबसे जुदा अपना जुनून, अपनी अपनी धुन में सारे गुम, गली गली नगर नगर भटक रही नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम, तू आ जा मेरी। घबराने वाली क्या बात थी? नहीं वो अभी आप ठीक है? शुगर? हाँ, एक
क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं नानू। नहीं, मुझे ऑफिस से देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अभी मेरा मोबाइल मेरे कमरे में रह गया, आप मुझे गाड़ी तक ला देती हैं? प्लीज जाइए बेटे, उन ले आइए उनका। बाहर वेट कर रहा हूं। बहुत ख्याल रखेंगे भाई साहब। आपसे हमें एक बहुत जरूरी बात करनी है। आज हम आपको ड्रॉप कर देते हैं, आपकी गाड़ी ड्राइवर ले आएगा। ये ले। थैंक यू। वैसे अच्छी बीवी अपने शौहरों को बाहर तक छोड़ने खुद आती हैं। मैं अच्छी बीवी नहीं हूं। चलें, कोशिश तो कर रही हैं। सुने, आपको मेरा हाथ पकड़ना बुरा तो नहीं लगा था? मुझे फोन के लिए आपका झूठ बोलना बुरा लगा। तू आ जा मेरी। Yes. आपने बुलाया? हाँ। क्या जा रहे हैं आप? ऑफिस। ऑफिस? कौन से ऑफिस? सर, मैंने सोचा आज से मैं आपके ऑफिस बैठा करूंगा। बट व्हाई? क्योंकि आपके कहने पर ही मैंने अपना सारा पैसा आपके कारोबार में लगा दिया। ओह यस, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे कहने पे ये सब कुछ किया। हमसा, आई डोंट थिंक सो कि बिजनेस के लिए तो एक वास्ट एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वो आपके पास है। लेकिन आपके पास तो है ना सर। आपके साथ रहूंगा तो कुछ ना कुछ सीख ही जाऊंगा। वेल सेड, बट आई थिंक सो हमसा, बेस्ट चॉइस ये होगी कि आप अपने फादर का ऑफिस ज्वाइन करें। मेरा सारा हिस्सा तो वो मुझे दे चुके हैं सर। सो व्हाट? बाकी जो कुछ भी है वो किसका? आप ही का है। एनीवेज, मैं आपको रोक नहीं रहा। यू मोस्ट वेलकम, हमारा ऑफिस जरूर ज्वाइन करें। आफ्टर सम टाइम मैं जज कर लूंगा कि आप इस काबिल हैं भी कि नहीं। कुछ कह रहे हैं आपको? नो सर। प्लीज
If you don't mind, Abdullah ko sala bhej dijiye. Sure, sir. बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गए। तुम्हारी दुआएं कबूल हुई मेरी। फारिस आप यहाँ बैठे हुए हो, कब से आपको आवाजें दे रही हैं बेटा? आप जवाब ही नहीं दे रहे हो। कान चचा कहाँ है? यही है वो। यहाँ कहाँ? अभिया का बच्चा अभिया के पास नहीं है और ना आपके पास है। वैसे अच्छी बीवियां अपने शौहरों को बाहर तक छोड़ने खुद आती हैं। मैं अच्छी बीवी नहीं हूं। चलें, कोशिश तो कर रही हैं। सुने, आपको मेरा हाथ पकड़ना बुरा तो नहीं लगा था? मुझे फोन के लिए आपका झूठ बोलना बुरा लगा। तो मोहब्बत हो ही गई आखिर। निकाह रिश्ता ही ऐसा होता है, अल्लाह ताला दिलों में खुद ब खुद मोहब्बत डाल देता है। अब शर्मिंदा क्यों हो रही हैं? मोहब्बत शर्मिंदगी का नाम नहीं है, और वो भी शौहर से मोहब्बत। शौहर की मोहब्बत तो सबसे ज्यादा मजबूत और खास होती है। ऐसा कुछ नहीं है नानू। क्यों नहीं है? ऐसा तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था ना। क्योंकि उनके दिल में कोई और है। अच्छा, अगर उनके दिल में कोई और होगा तो आप अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाएंगे। याद रखिए, कोई भी लड़की बीवी से मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकती। आप उनसे कह दीजिए कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं। ये मैं कहूँ उनसे? बिल्कुल कहिए बेटे। मोहब्बत इजहार चाहती है। और अगर खामोशी हो जाए तो दरमियान में एक बहुत मजबूत दीवार खड़ी हो जाती है, जिसको बाद में गिराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, ये भी तो कह सकते हैं ना मुझसे। ठीक है, आने दीजिए उनको। अच्छी तरह पूछेंगे उनसे कि वो क्यों नहीं कहते आपसे ये बात। नहीं नहीं नानू, आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे बेटे, मियां बीवी के दरमियान अना कैसी? अना की बात नहीं है नानू, हमारी शादी जिन हालात में हुई। अब तो हो गई ना, अब आगे बढ़िए। साहब साहब, बेगम साहिबा के लिए गजरे लीजिए। आपको कैसे पता है मेरी बेगम साहिबा? साहब, आप बहुत खुशी नजर आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम तक ये गजरे वैसे ही मुरझा जाएंगे। साहब साहब, मोहब्बत की चीज कभी नहीं बुझाती। वाह, बातें तो आप बड़ी पक्की पक्की करती हो। साहब, ये सब फक सिखा देता है। लाओ तो। थैंक यू। गेट ड्रॉप्स आर यू।
बैठे हैं। बदगुमानी अच्छी चीज नहीं है, दरमियान में दरार डाल देती है। मैं बदगुमान नहीं हूं नानू, ये तो सच ही है। मैं उन्हें जितना भी चाहने लगूं, लेकिन मैं कभी उनकी तरफ पहला कदम नहीं बढ़ाऊंगी। और आप मुझसे वादा करें, आप उन्हें मेरी फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं बताएंगी, प्लीज नानू। अच्छा ठीक है, लेकिन आप इतना तो कर सकती हैं कि उनका ख्याल रखिए, और जब वो काम से वापस आए तो जरा तैयार रहा कीजिए। अभी तो आपकी शादी हुई है। दुल्हनें तैयार अच्छी लगती हैं, और जब शौहर आता है ना बाहर से, तो उसको सजी संवरी दुल्हनें अच्छी लगती हैं। समझ रही ना हमारी बात? तू आ जा मेरी अखियों में, कित होर ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र लग जावे। Hello. Sorry to disturb you guys. I just wanted to ask, mera room ready karwa diya tha aapne? What do you mean, mera room ready karwa diya tha aapne? Kya lagta hai aapko? Aapko ye lagta hai ki mere paas aur koi kaam nahi hai ki main aate hi aapka room set karwata? Huh? And don't you know the manners of office? Chairman se milne ke liye uske PA se appointment lena bahut zaruri hai. Go and meet her. Yes, I'm asking you, go and meet her. Go. ये आपके दवा दी? Yes, है। तो क्या करूं? ऑफिस का डिको भूल जाऊं? लोगों को उनके औकात में रखना नसीर अहमद को बहुत अच्छे से आता है। You go ahead. कलर थोड़ा डार्क होना चाहिए। Yeah, this color is future of market. अगर मार्केट कैप्चर करनी है तो हमें इन कलर्स में जाना चाहिए। बेसमेंट की हालत देखी आपने? सोफों का क्या हशर हो गया है? और ये फिरोजा नहीं देखती है क्या? आप लोग ख्याल रखा कीजिए और उनसे कहें कि वो भी ध्यान रखे। जाइए, पता नहीं किस बात के पैसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए। लगता है आप जल्दी आ गए, दिल विल नहीं लग रहा है ऑफिस। तो इसमें दिल क्यों नहीं लगना? भाई ये सवाल तो आप अपने दिल से पूछिए। पूछता हूँ दादू, ये जवाब ही नहीं मिलता। अरे ये कौन सा मुश्किल सवाल है, अपने दिल से पूछिए। बल्कि एक काम कीजिए, सर झुकाइए। झुका लिया। दिल में झांकिए। झांक लिया। अब बताइए वहां कौन बैठा है? मम्मी कहती हैं कि मैं कब तक इस तरह जिंदगी गुजारूंगी? मेरी शादी में आएंगे? नहीं। पता नहीं। मेरी जिंदगी का नया सफर शुरू होने जा रहा है।
लेकिन खुशियों के बगैर आपके बगैर आज आप जल्दी आ गए? क्यों, मैं जल्दी नहीं आ सकता? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अरे आप इतना तैयार क्यों हैं? इतना तो नहीं, बस थोड़ा। कपड़े तो बहुत शानदार पहने हुए। अच्छा, इसका मतलब आपको नजर आता है कि मैंने क्या पहन रखा है? क्यों, मेरी आंखें नहीं है? लगता तो यही है। ओ, अच्छा। आप इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपकी तारीफ नहीं करता? आपको लगता है कि मैं मरी हूँ आपकी तारीफ के लिए? बिल्कुल। अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो ये आपकी गलत फहमी है। मुझे नहीं चाहिए आपकी तारीफ। यानी क्या समझते हैं? अबीर, अबीर बात सुने, मजाक कर रहा हूँ। अबीर देखे उनमें गम ही गम, गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। मेरे पास जो कुछ भी है किसी का दिया हुआ नहीं, ना बाप का ना किसी सुसर का। कोई ये नहीं कह सकता कि नसीर अहमद किसी के सहारे या फिर किसी के टुकड़ों पे पल कर यहां तक पहुंचा। आई डोंट नो हमजा व्हाट इज योर बिलीफ, बट मैं ये समझता हूं कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ही अच्छी चीज है, इसलिए किसी पे गुस्सा और धौंस जमाने से बेहतर है कि अपने बाप से अपना पैसा लो, अपना हक मांगो और अपना काम स्टार्ट करो। कब तक बीवी के पैसों पे ऐश करते रहेंगे हम? आपको ये लगता था ना कि आप मुझे घर से निकाल देंगे, कारोबार से बेदखल कर देंगे, तो मैं सड़कों पे आ जाऊंगा। काश ऐसा ना हो, लेकिन आपके ससुर से कुछ भी मुमकिन है। अरे वो ऐसा क्यों करेंगे, इकलौती बेटी है अमल उनकी और मेरी बीवी है। क्यों कर रहे हैं आप ये बेवकूफियां? क्यों इस बाप और बेटी के हाथों में कठपुतली बने हुए हमजा? को ऐसी गलतफहमी है ही क्यों? आपको लगता है मैंने घाटे का सौदा किया? अपना फ्यूचर सेव किया है मैंने, लेकिन हमें कुछ और दिख रहा है। बहुत जल्द आप लोगों को एहसास होगा कि मेरा फैसला गलत नहीं था, और आपको भी बहुत जल्द ये एहसास हो जाएगा कि जो रिश्ते गर्ज की बुनियाद पर जोड़े जाते हैं एक न एक दिन वो जरूर गलत साबित होते हैं। कहीं मुझसे कुछ गलत तो नहीं हो गया? लेकिन कब तक?
आखिर इसके मरने के बाद सब कुछ मैं ही तो संभालूंगा। सारा बिजनेस अब सारी उम्र इतना एक्टिव तो नहीं रहेगा। बुढ़ापा नहीं आएगा क्या? तब पूछूंगा। मिस्टर नसीर बड़ा इतराते थे, अब बताओ कितने पानी में हो? नानो, नानो आज के बाद ना मैं हनान के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगी। क्या हो गया? हनान ने कुछ कहा नहीं क्या? हमारी बेटी की तारीफ नहीं की? मुझे नहीं चाहिए उनकी तारीफ। पता नहीं खुद को समझते क्या हैं, जैसे मैं उन्हें दिखाने के लिए तैयार हुई थी। अरे भाई वो आपके शौहर हैं। कोई शौहर वौहर नहीं है, बल्कि कुछ भी नहीं है। सुन रही हैं दादू, मुझे शौहर मानने के लिए भी तैयार नहीं है। इनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? हैं तो आप शौहर ना, और जितनी जल्दी इस हकीकत को तस्लीम कर लें उतना अच्छा। अम्मा वो हम आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि रात के खाने के लिए क्या बनवाएं? कुछ भी बना लीजिए। ठीक है अबीर बेटा, आप हनान, आप दोनों ने कुछ खास खाना है तो बता दीजिए। अरे ये लोग तो रात को खाने पे जा रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, अब जाइए आप, जल्दी से तैयार हो जाइए। अबीर कब से तैयार खड़ी हुई है? अब जाइए भी जल्दी। जी। अच्छा अब जाइए जल्दी से। मुझे नहीं जाना। अरे उनकी मदद कर दीजिए तैयारी में। ओके। शाबाश। कब बड़े होंगे दोनों। माशाल्लाह। अम्मा हम जरा कुक को देख। ठीक जाइए। आप कब तक यूं मुंह पलटाए बैठी रहेंगी? हम इसलिए बाहर तो नहीं आए थे। मैंने नहीं कहा था बाहर आने के लिए। सब मैंने कहा था। अब अपना मुंह ठीक करेंगी? मेरा मुंह ठीक है, घर जाना चाहती हूँ मैं, घर चला। अभी हम कोई घर वर वापस नहीं जा रहे, अभी हम पहले शॉपिंग पे जा रहे हैं। नहीं करनी मुझे शॉपिंग। चलो एक तरफ देखें, देखें ना, अगर आप फिर पे बात पूरी लगी है तो आई एम सॉरी। जो था सुनहरा सपना, आंखों का धोखा था, सच न समझूं मैं, दुनिया ने मुझे रोका था, वो था नसीबा मेरा मुझसे जो लूटा था, रिश्ता जिससे भी जोड़ा था वो ही टूटा। तू आ जा मेरे।